पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और फिर हत्या के मामले में सीबीआई ने दो और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और ताला पुलिस स्टेशन से एसएचओ अभिजीत मंडल पर कार्रवाई की है। सीबीआई ने संदीप घोष को डॉक्टर के रेप और हत्या की घटना के सबूतों को मिटाने के आरोप में गिरफ्तार किया है, तो वहीं एसएचओ अभिजीत मंडल को एफआईआर दर्ज करने में देरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष आरजीकर अस्पताल में भ्रष्टाचार के मामले में ज्यूडिशियल कस्टडी पर है, इसलिए रिमांड पर रखने के लिए कोर्ट ने अनुमति दे दी है। दोनों आरोपियों को 15 सितंबर को कोर्ट में पेश किया गया। इस मामले में अभी तक 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। सबसे पहले कोलकाता पुलिस ने आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार किया था। कोलकाता हाईकोर्ट ने सीबीआई को इस मामले के जांच की प्रोग्रेस रिपोर्ट देने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया था, जिसे 17 सितंबर को कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। मृतका के माता पिता बार बार आरोप लगाते रहे कि तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की गई थी। कोलकाता रेप मामले में सीबीआई 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर चुकी है, तो वहीं संदीप घोष से लगातार 15 दिनों तक पूछताछ की गई थी। सीबीआई ने इससे पहले 26 अगस्त 2024 को संदीप घोष का पॉलीग्राफी टेस्ट कराया था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई जांच के आदेश देने वाले कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ संदीप घोष की याचिका पर विचार करने से भी इनकार कर दिया था। खैर, इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में आपकी राय जरूर शेयर कीजिए। देखते रहिए एबीपी लाइव।